हेलो फ्रेंड्स, और एक नया वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आप जानते हैं एंटीगुआ, वेस्ट इंडीज़ की एंटीगुआ में जो सार विवियन रिचर्ड स्टेडियम है, कल खेला गया अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022, जिसमें इंग्लैंड और इंडिया के टीम मैदान में उतरे और उसका रिजल्ट आपको पता हो चुका है। लेकिन मैं अपने दर्शक को ये जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है फाइनल मैच, उसी के बारे में कुछ सूचना देने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप अंत तक देखिए, आप जान पाएंगे क्या है सूचना। तो मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूं। हमारा वीडियो आपको अच्छी लग रही होगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अमरेंद्र लाइव ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कल था अंडर 19 क्रिकेट टीमों के लिए एक बड़ा दिन, क्योंकि कल एंटीगुआ सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में खेला गया फाइनल मैच, जिसमें इंग्लैंड और इंडिया के साथ फाइनल मैच खेला गया, जिसमें इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है। ये खबर आपके पास है, लेकिन मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ इस मैच में क्या क्या हुआ, इंडिया कितना रन बनाया, इंग्लैंड कितने रन बनाया, और इसी के बारे में मैं एक सूचना दे रहा हूँ। तो कल पहले इंग्लैंड ने बैटिंग करने के लिए निष्पत्ति ली, और तो जब पहले कल मैदान में उतरा इंग्लैंड टीम, पहले से ही अपना पारी लड़खड़ाते हुए शुरू किया, लेकिन उसके बाद थोड़ा अपने को संभला और इंग्लैंड अंत तक सारे विकेट गवा कर 189 रन कर पाई थी सिर्फ 44 ओवर 5 बॉल में। तो उसके बाद इंडिया टीम ने मैदान में उतरा, वही हाल इंग्लैंड भी इंडिया का किया, दूसरे बॉल में शायद पहला विकेट गिरा दिया था इंडिया का। तब इंडिया टीम अपने को संभलने के लिए भरपूर कोशिश की और अंत तक मैच जीतने के लिए जो भी प्रयास है वो प्रयास किया इंडिया टीम। इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम के प्लेयर ठहर के खेलने के लिए कोशिश की भरपूर, और अंत तक 2.2 ओवर बाकी रखते रहते हुए इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया, यानी कि 47.4 ओवर में ये लक्ष्य हासिल कर लिया इंडिया टीम। इंडिया टीम 6 विकेट गवाकर 195 रन, 6 विकेट गवाकर ये टारगेट हासिल कर लिया, और इसी के साथ इंग्लैंड से जीत कर फिर से चैंपियन बना अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का। तो कल जो इंग्लैंड और इंडिया के बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप मैच हुआ, इसमें इंडिया ने अपने दबदबा कायम रखते हुए इंग्लैंड को हरा दिया। ये लगातार 4 बार फाइनल में पहुंचा था इंडिया, और ये इंडिया टीम अपने दबदबा कायम रखते हुए अब तक जब से शुरू हुआ है अंडर 19 वर्ल्ड कप, तब से अब तक यानी कि 2022 तक ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये लगातार अपना 4 बार फाइनल में पहुंचा था, और ये 5वां बार फाइनल मैच जीतकर चैंपियन हुआ अंडर 19 का। ये भारतीय क्रिकेट के लिए गौरव की बात है। तो देखा जाए तो अब तक इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम अब तक 5 बार वर्ल्ड कप देश के लिए लाया है। 2000 में पहली बार वर्ल्ड कप लाया था अंडर 19 टीम, उसके बाद 2008, उसके बाद 2012, उसके बाद 2014, तो ये 5वीं बार वर्ल्ड कप लाया है अंडर 19 क्रिकेट टीम इंडिया का। तो कल की मैच में राज बावा इंडिया के बॉलर 31 रन दे के 5 विकेट लिया था, इसीलिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच घोषणा की गई। उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका का जो है ब्रेविस, उनको टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर घोषणा की गई। तो ये थी कल की सूचना, जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको बताने के लिए मैंने उचित समझा, तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ। हमारा वीडियो आपको अच्छी लग रही होगा तो हमारा चैनल अमरेंद्र लाइव के साथ जुड़े रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से और एक नया वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।